नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज बेहद खास दिन है, जहां एक तरफ पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर बसंत पंचमी की धूम भी देखने को मिल रही है। जहां आज से बसंत की शुरुआत हो चुकी है, विभिन्न जगहों पर तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, अबीर रंग गुलाल लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी भी पीछे नहीं है, जहां राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट साझा किया है, जहां बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ मिलकर लंच करते हुए नजर आ रहे हैं। कई तस्वीरें निकलकर सामने आई है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए तेजस्वी यादव किस तरीके से बसंत पंचमी का शुरुआत कर रहे हैं। उनके तरफ से बसंत पंचमी के मौके पर सभी को लंच के लिए इनवाइट किया गया, जहां जगदानंद सिंह से लेकर कई बड़े नेता मौजूद हैं और सभी एक साथ मिलकर तरह तरह के व्यंजनों का लुफ्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट कर लिखा है, बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पार्टी नेताओं के साथ भोज करते हुए माननीय उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री श्याम रजक, इन तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आरजेडी के कई नेता शामिल हैं, जहां सब लोग एक ही टेबल पर एक दूसरे के साथ मिलकर कई तरह के व्यंजन खा रहे हैं। जलेबियां रखी हुई है, जिसका लुफ्त उठाते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, जिसके बाद जगदानंद सिंह को वो खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं अपने बगल में बिठाकर। तो जैसा कि आपने इन तस्वीरों में देखा, संभवतः ये तस्वीर राबड़ी आवास की है, जहां आरजेडी के नेताओं का मिलन हुआ है। सब एक साथ मिलकर लंच कर रहे हैं। आज बसंत पंचमी की शुरुआत होने के साथ आरजेडी ने कुछ इसी तरह स्वागत किया है बसंत ऋतु का, बसंत पंचमी का। तेजस्वी यादव हमेशा अपने नेताओं के साथ मिलकर वक्त बिताते हैं, जहां पर बात विचार विमर्श किया जाता है, कई मुद्दों पर चर्चा होती है। और एक आज का दिन है, जहां एक बार फिर तेजस्वी यादव अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलते हुए खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर जलेबी खाने का, जो कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई मानी जाती है, उसे खाने का काफी चलन है। और इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार सभी के प्लेटों में जलेबियां रखी गई हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले सुबह में तेजस्वी यादव की तस्वीर सामने आई थी, जहां राबड़ी आवास से उन्होंने झंडा तोलन किया था। बिहार के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव के लिए मौका था कि आज के दिन उन्होंने गणतंत्र दिवस पर झंडा तोलन किया, जिसके तुरंत बाद वो गांधी मैदान के लिए रवाना हुए, जहां समारोह का आयोजन किया गया था और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा झंडा तोलन किया गया। उसके बाद राबड़ी आवास में सुकून के पल बिताते हुए तेजस्वी यादव और आरजेडी के तमाम नेता नजर आए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।